नहीं है तो इस तरह से आपको सैशे में भी ये मिल जाएगा। HB11 ट्रिपल एक्शन, जहाँ से आप अपनी ब्यूटी क्रीम्स लेते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह लेते हैं, वहाँ से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि आप इससे किस तरह से व्हाइटनिंग हासिल कर सकते हैं। ये पैकेट आपको 30-40 रुपए में मिल जाएगा। कच्चे दूध का सबसे पहले एक चम्मच लीजिए, इसको जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं हम करेंगे, और इसको जिस तरह से फ्राई किया गया है और उसका रिजल्ट हासिल हुआ उसी तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। 10 ड्रॉप्स एक चम्मच कच्चे दूध में मैं कोकोनट ऑयल में लाऊंगी और दोनों चीजों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जब तक मैं इसको मैं मिक्स करती हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करके चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि सबा जी लाइब्रेरी चैनल हमने माशाल्लाह से क्रिएट कर ली है और ईद के दिन में हमने उसकी पहली वीडियो लगा दी थी, तो आप में से जितने दोस्त भी उसको विजिट करें प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो देख सकें। उसके बाद आपने जो है वो कॉटन बॉल लेना है या आपके पास कोई मलमल का साफ कपड़ा हो उसकी मदद से इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। आप इसे हाथों पे करना चाहती हैं हाथों पे करिए, साथ में चेहरे पर भी करिए। अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है और उसके बाद इसको ड्राई होने देना है। जब तक मैं इसको अप्लाई करती हूँ, जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुरख कलर का बटन नजर आ रहा है उसको क्लिक करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको मैं खुश्क होने दूंगी, इसको तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे क्योंकि इसमें ऑयल है तो इसको ऑयल जजर नहीं होगा, आपकी स्किन जो है एकदम से सॉफ्ट होगी। कोकोनट ऑयल आपको पता है कि व्हाइटनिंग के लिए बेहतरीन चीज है। इस मिल्क को अपनी स्किन के अंदर जजर होने दीजिए, करीब 8-10 मिनट ले लेगा और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर इससे बहुत प्यारा निखार आ जाएगा। उसके बाद आपने बाकी अप्लाई करना है। देखेंगे ये ड्राई हो चुका है, मैंने इसको 7-8 मिनट लगे और आप तकरीबन 1-2 मिनट अपने चेहरे पर जस्ट इसको मसाज कर लीजिए तो आप देख रहे हैं कि इसी से कितनी प्यारी व्हाइटनिंग आई है। बट मैं क्लींजिंग जो है वो इसके ऊपर वो अप्लाई करूंगी। अच्छी तरह से अपने जो है नकल्स पर अपने हाथ पर अपने चेहरे पर इसका आपने मसाज करना है ताकि ऑयल आपकी स्किन के अंदर जजब हो जाए। इससे आपकी स्किन ड्राई भी होगी, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आपने इस प्रोसेस को करना है, इसका कोई जो है वो टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप डेली एक दफा अपने चेहरे को बेसन के साथ धो लिया करें। ठीक हो गया, ये ड्राई हो गया अच्छी तरह से। तो अब ये जो पैकेट हमने लिया था क्लींजर जो है वो इसको आपने इसमें निकाल लीजिए बाउल में, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। और प्लीज मुझे वीडियो के मुतालिक फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आप इसका आगे चल के देखिएगा कि इसका डबल रिजल्ट हमें मिलेगा। हालांकि क्लींजिंग के आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो, लेकिन हम इसको इतना शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं कि आपको फिर भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये शॉर्ट जरूर है बट ये जितना सस्ते में आपका हो जाएगा, जितनी आसानी के साथ ये क्लींजिंग हो जाएगी, आप जो है वो इसकी आदी हो जाएंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको जरूर किया करें। बल्कि इसको महीने में 2 बार किया है, आपकी स्किन नीट रहेगी, एकदम से साफ सुथरी ग्लोइंग हो जाएगी, सॉफ्ट रहेगी। इसके बाद आप इस पैक को सिर्फ जो है वो अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। ठीक हो गया, चेहरे पर भी करिए इसको अच्छी तरह से और फिर हमने इसको ड्राई होने देना। जब तक मैं इसको अप्लाई करती हूँ कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप जिनमें से सॉरी मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के, उन्होंने जो है वो शायद ईद के दिनों में मसरूफियत की वजह से आप लोगों ने ईद की वीडियो जो है हमने अपलोड की वो नहीं देखी, इसीलिए उस चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर काफी कम आए हैं। हालांकि मुझे ये तवक्को थी कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि वहां जो अच्छी अच्छी वीडियोज अपलोड हो आपको उसका मैसेज मिल जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे आपके, आपको सिर्फ यह कि मैसेज मिल जाए करेगा, वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। तो इस वीडियो के लास्ट पे भी आपको जो है वो चैनल का लिंक मिल जाएगा सबा जी लाइब्रेरी का, तो आप उस चैनल पे क्लिक करें, आप डायरेक्ट सबा जी लाइब्रेरी चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखें। अभी देखिए इसको ड्राई होने में 15-20 मिनट लगे और उसके बाद अगर आपका 20 मिनट में भी ड्राई नहीं होता तो आपने 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, हाथ आप 20 मिनट दे लीजिए, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो आपने सिंपली इसको वॉश कर देना, आप उसके लिए ठंडा पानी इस्तेमाल कर लीजिए, बेस्ट है। सर्दियों में आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं क्योंकि सर्दियों में वैसे पानी ठंडा होता है। इसको ठंडे पानी के साथ आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए तो उसके बाद आप अपनी स्किन देखेंगे कि एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, मेरा मतलब है कि उसको ग्लोइंग आएगी, एकदम से नरम मुलायम आपकी जल्द हो जाएगी। आपको दिखने में शायद वो रिजल्ट नजर नहीं आए, हालांकि व्हाइटनिंग का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, बट जब आप इसको सेल्फ खुद अप्लाई करेंगे तो फिर आप अपनी स्किन में फर्क देखिएगा। चाहे आप पहले भी अपनी पिक्चर बना के देख लीजिए, किसी को स्किन दिखा लीजिए। 20 मिनट इसको 10 मिनट जो हमने दूध और कोकोनट ऑयल को मिक्स किया था उसमें लगेंगे। 30 मिनट के बाद आपकी स्किन बहुत खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाएगी, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर भी रिजल्ट नजर आ रहा है।
मुझे पूरा यकीन है कि आपको व्हाइटनिंग इससे नजर आ गई होगी, लेकिन व्हाइटनिंग से ज्यादा आप अपने हाथ और अपना चेहरा देखेंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट स्टेप जो है वो सूतिंग लोशन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इसको स्किप नहीं करती, मैं नहीं करती, आप लोग कर सकते हैं। आप तो यूं करिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम ये सूतिंग लोशन जो आप इस्तेमाल करती हैं वो कहाँ से मिलेगा। जहां से आप अपने फेशियल किट लेती हैं, क्लींजिंग वगैरह का सामान लेती हैं, अपनी ब्यूटी क्रीम्स लेती हैं, जनरल स्टोर से आपको आसानी से सॉफ्ट टच का सूतिंग लोशन मिल जाएगा। इतना कॉस्टली भी नहीं है, मेरे ख्याल 150-200 रुपए का होगा। ये आप ला के रख लें, ब्लीच के बाद भी इसको अप्लाई करिए, क्लींजिंग के बाद, फेशियल के बाद इसको लाजमी अप्लाई करिए। जब तक हम स्किन की केयर करते हैं तो जारी सी बात हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिल जाने के बाद हम छोड़ देंगे, स्किन की केयर ही नहीं करेंगे, तो फिर आप बताएं कि रिजल्ट कैसे रहेगा। इसी तरह से अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो डेफिनेटली हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह से स्किन केयर मांगती है, अंदर से भी आपको केयर चाहिए, आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए और बाहर से भी। और रिजल्ट आपको आपके सामने बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं स्किन एकदम से मेरी साफ सुथरी हो गई है और एकदम से नीट हो गई है। मैं इसको महसूस कर सकती हूँ दोनों हाथों के निस्बत में, मेरा ये हाथ जो है वो काफी ड्राई और हार्ड सी स्किन है इसकी, बट मेरा लेफ्ट हैंड है काफी सॉफ्ट हो चुका है, एकदम से ग्लोइंग हो गया है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते उससे फायदा उठा सके। तो बातें बहुत सारी हो गई, आपको रिजल्ट नजर आ गया है, तो अब चलेंगे हम आपने आज के लेसन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूं कि प्लीज जिस तरह से आपने सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, व्यूज दिए उसको, लाइक किया वीडियोस को, इसी तरह से सबाजी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं मेरी, उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो नए दोस्त हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत कम दोस्तों के कमेंट्स मुझे सबाजी लाइब्रेरी पे मिले हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बट मुझे कोई मतलब अफसोस नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ईद के दिन हमने वीडियो अपलोड की थी, तो ईद के दिन में बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में भी आपको मैं याद आनी करवा रही हूँ। वीडियो के लास्ट पे आपको सबाजी लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे सबाजी लाइब्रेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब हम चलते हैं फाइनली अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें आपको ये कहना चाहेंगे कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि माफी मांग लेने के बावजूद उससे दुख जरूर होगा। हम ऐसे कहते हैं, हम किसी को हर्ट करते हैं, उसको मतलब उसका दिल दुखाते हैं, तो बाद में उससे माफी मांग भी लेना हमें रियलाइज हो भी जाता है। जब भी जिस इंसान का हमने दिल दुखाया हो ना, उसको फिर भी जो है वो दुख जरूर होगा, उसको दुख रहता है इस चीज का एहसास, देर बाद जाता है। समटाइम सामने वाला हमें माफ कर देता है, बट वो दिल में रखता जरूर है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।